देश में हो रही लगातार बारिश के बाद आखिरकार मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान लगातार बारिश के चलते इंदौर शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया। लगभग शहर के सभी तालाब लबालब हो चुके हैं। उसके बाद मौसम विभाग द्वारा आगामी 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार देर रात हुई तेज बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया। वहीं प्रदेश का सबसे बड़ा MY अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। वहीं अस्पताल में बने कैदी वार्ड और अन्य वार्डों में पानी भर जाने के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। शहर में लगातार हो रही बारिश ने MY अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, आपको बता दें कि MY अस्पताल के कैदी वार्ड और भी जो अन्य वार्डों हैं उसमें मरीज और डॉक्टर को परेशान होना पड़ रहा है। घुटनों तक पानी भर चुका है MY अस्पताल के वार्डों में। वहीं पर जो कर्मचारी है, कर्मचारी जो बारिश का पानी है उसे हटा रहे हैं, लेकिन जो पानी है, पानी फिर से वार्ड में भर जा रहा है। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से वाटर प्रूफिंग किया गया था अस्पताल में, बावजूद उसके जो 4 दिन की 5 दिन की बारिश है उसने वाटर प्रूफिंग की भी पोल खोल कर रख दी है। वहीं पर जो मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर जो दवाई स्टोर है वहां पर भी पानी भर गया है, जिससे जो दवाइयां हैं, दवाइयां खराब हो रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ कविता पांडे, दबंग न्यूज़ इंदौर।